Today we will learn in our entrepreneurship development. Our next topic is production planning and control. किसी भी business organization को proper चलाने के लिए ठीक है planning का बहुत important role play होता है. बिना planning के हम किसी भी business organization को smoothly run नहीं कर सकते. लेकिन प्लानिंग जो है वो प्लानिंग डिफरेंट डिफरेंट टर्म में हो सकती है. वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के टर्म में हो सकती है. वो प्लानिंग प्रोडक्शन के टर्म में हो सकती है. वो प्लानिंग मार्केटिंग के टर्म में हो सकती है. वो प्लानिंग डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में हो सकती है. वो प्लानिंग उस प्रोडक्ट के क्वालिटी कंट्रोल के टर्म में हो सकती है. तो यू कहें तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग होती है. लेकिन यहाँ हम जिस प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो प्लानिंग है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सपोज करें कि अगर हमारे पास एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है जो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो उस गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज होंगी, कुछ प्लानिंग होंगी ताकि हमारी गुड्स की क्वालिटी और उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो कि मार्केट में वैसा किसी का भी प्रोडक्ट या किसी का भी गुड्स एग्जिस्ट ना करते हैं. दूसरी चीज, हमें प्लानिंग इसलिए भी करनी होगी अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम अपने उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम कॉस्ट में नहीं कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के प्लानिंग के लिए हमें इसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग प्लानिंग करना है. हमें इसकी क्वांटिटी के रिगार्डिंग प्लानिंग करना है कि मार्केट में कितनी डिमांड है. कहीं ऐसा तो नहीं हम इतना प्रोडक्शन कर दे रहे हैं जितना मार्केट में डिमांड है, हो ही ना. तो इससे क्या होगा, एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगा, वो हमारे प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन में आउटपुट में आएंगे वो खराब हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं जब हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो प्रोडक्शन के टाइम में हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे, उसकी क्वांटिटी के रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे, एज वेल एज उसके कास्ट के रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे कि क्या मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट तो बेटर क्वालिटी देता है, नो डाउट. लेकिन क्या हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट उनके कॉस्ट से बहुत ज्यादा है? डेफिनेटली अगर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट उनके प्रोडक्ट के कॉस्ट से बहुत ज्यादा होगी तो हमारे सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं. लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, जिसमें से लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास लोग बहुत ज्यादा है और वही हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा यूज भी करते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. तो प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम तभी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे जब हम अपने प्रोडक्शन की प्रॉपर प्लानिंग करें. प्रोडक्शन की प्लानिंग करने का मतलब हम कितने कम से कम समय में अपने प्रोडक्ट को तैयार कर ले रहे हैं, हम कितने कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके अपने प्रोडक्ट को तैयार कर ले रहे हैं, हम कितने कम से कम मैन पावर को यूज करके अपने प्रोडक्ट को तैयार कर ले रहे हैं, हम कितने हम किस टाइप के सस्ते और अच्छे रॉ मटेरियल को यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को तैयार कर ले रहे हैं. तो इन सारी चीजों की अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, एज वेल एज उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट भी क्या होगी, बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट होगी. ठीक है, और प्लानिंग में हमें ये भी देखना होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक डिलीवर कर पाएंगे. तो ये सारी चीजें हमें अपने प्रोडक्ट की या प्रोडक्शन की प्लानिंग में अपने माइंड में रखनी होती है. तो यहाँ अगर आप देखें, ये कह रहा है बिफोर बिगिनिंग एनी प्रोजेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज इट्स प्लानिंग. किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है प्लानिंग. Production planning and control consist of planning the production in a manufacturing organization before any production activities initiates and exercising various control action to ensure that the planned project production is released in terms of quality, quantity, cost of productions and delivery schedule. ठीक है, वही जो मैंने आपको थोड़े पहले एक्सप्लेन किया कि हमें अपने प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है. ठीक है,
अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल को यूज करना पड़ता है कि हम कैसे कैसे अपने उस प्रोडक्शन को कंट्रोल करें जिसकी वजह से जो प्लानिंग हमने कर रखी है वो प्लानिंग फुलफिल हो सके। देखिए इसमें नेक्स्ट कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। किसी भी प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोल के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ कह रहा है, अटेन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम रखें, इसके लिए जरूरी है कि हम कितना कम से कम रिसोर्सेज यूज करें और उन रिसोर्सेज को जिनको हम यूज कर रहे हैं कितना मैक्सिमम यूटिलाइज करें। मैक्सिमम यूटिलाइज करने का मतलब बेटा, जैसे सपोज करो कि आपके पास जैसे सुगर कैन की जहाँ पे क्या बोलते हैं सुगर मिल होती है, जहाँ पे चीनी वगैरह बनती है। अब उस सुगर मिल की जो रॉ मटेरियल होते हैं, सुगर मिल के रॉ मटेरियल में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जैसे बहुत सारे केमिकल वेस्टेज निकलते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, या यू कह लें कि सुगर केन के जो लिक्विड होती है उस लिक्विड से भी बनने वाले बहुत सारे अदर केमिकल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो सारे रॉ मटेरियल्स को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अटेन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तभी सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं जब आप उसमें यूज होने वाले सारे रिसोर्सेज को या उसमें निकलने वाले सारे वेस्टेज के रिगार्डिंग आप सही प्लानिंग करें, उनका सही यूटिलाइजेशन करें। तो उसमें जो केमिकल वेस्टेज निकल रहा है, हो सकता है उनके केमिकल वेस्टेज को हम किसी अदर कंपनी को दे सके जो उसका कोई यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल में वो डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं सुगर केन के, उन रॉ मटेरियल्स को जिसको हम ये कह भूसा जैसे नॉर्मली कहते हैं, उसको हम किसी अदर इंडस्ट्री को दे सके जो वो अपने प्रोडक्शन में उसको यूज कर सके, या उसको किसी अदर प्रोडक्ट्स को बनाने में उसको यूज कर ले। तो कहने का मतलब है हमारे पास कुछ ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिससे हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। सेकेंड है प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो इसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। मिनिमाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। हम अगर अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग सही तरह से करते हैं और सही दिशा में करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट आउटपुट में आ रहे हैं उन प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। और प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट नहीं होगा इसका मतलब है प्रोडक्ट को रिसाइकिल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। अगर हमारा प्लानिंग सही है तो हम अपना इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि कोई आइटम भरा है तो बहुत ज्यादा हमारी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है और कोई आइटम नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम सही प्लानिंग करें कि हमारे इतने प्रोडक्ट 1000 प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हमें कितनी क्वांटिटी हमें अपने इन्वेंट्री में पार्ट ए की रखनी है, कितनी क्वांटिटी पार्ट बी की रखनी है, कितनी क्वांटिटी पार्ट सी की रखनी है, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्लानिंग के तहत। नेक्स्ट कह रहा है अचीव कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर मशीन्स एंड अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट। अगर हमारी प्लानिंग प्रॉपर सही है तो लेबर को पता होगा कि हमें किस मशीन पे काम करना है और हम किस डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं, ताकि जिससे उस लेबर को कोई प्रॉब्लम होगी रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग एनी हेल्प वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से ही कॉन्टेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें तभी फुलफिल हो पाती जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। एलिमिनेट बॉटलनेक एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। बॉटलनेक प्रॉब्लम को रिमूव करता है। अचीव कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करता है। अगर हम सही प्लानिंग रखेंगे, अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, कम टाइम में अपना प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट जो होगा वो कम होगा। अगर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो हम उसका मार्केट प्राइस भी कम से कम रख पाएंगे। प्रिपेयर एंड मेंटेन द प्रोडक्शन शेड्यूल। हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन का उसका मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या है। अचीव द गोल एट मिनिमम कास्ट। हम अपने प्रोडक्शन के गोल को कम से कम सस्ते से सस्ते दरों पे कंप्लीट कर सकते हैं। इंश्योर क्वालिटी मैनेजमेंट। और अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के तहत अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हम ये बड़े दावे के साथ कह सकेंगे कम कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट में 100% क्वालिटी एश्योरेंस है, आप बड़े निश्चिंत हो कि हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल।